हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमुखी डेली ब्लॉग पर। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब सारा एंजॉय मस्ती कर रहे होंगे मेरे पपी की तरह, जैसा ये मेरा पपी मेरे साथ मस्ती कर रहा है। गाइस, आज हम लोग घूमने आए हुए थे इधर, तो ये मेरे साथ ही पपी हो लिया, तो मैं सोची चलो आज क्यों ना वीडियो इसी के साथ शूट कर लिया जाए, और भी अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा ये पपी का मेरे साथ मस्ती, ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा और इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसा है और कैसा लगा आप लोग को, ये भी ज़रूर बताइएगा। जो भी आप लोगों को समझ में आए आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग साथ में आए हैं, मैं हूँ और आज कैमरा हैंडल कर रही है शशि, और साथ में अंकल जी आए हैं इधर, क्योंकि आज अंकल हैं तो हम लोग को बहुत हिम्मत मिलेगी, क्योंकि उस दिन फर्स्ट डे आए थे तो थोड़ा ही दूर गए और उधर कुछ लोग बैठे थे तो नहीं आगे जा पाई थी, शाम का टाइम था तो अच्छा नहीं लगा था अकेले जाने में। तो आज अंकल जी साथ में हैं तो कोई डर नहीं है। और ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, मैं तो बनाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल बनाने नहीं आता है, तो ये शशि ही बनाई है। तो हम लोग फटाफट से घर से निकले क्योंकि धूप गाइस बिल्कुल भी नहीं है, और इधर मैं डॉगी को बुला रही थी बार बार, वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था तो मैं उसको अपने साथ बुला रही थी बार बार कि चलो मेरे साथ, और मेरे साथ गया भी बहुत उधर तक गया, और अंधेरा होने की वजह से आगे गाइस मैं शूट नहीं कर पाई, और रास्ता चूँकि ऊपर खाबड़ बहुत ज़्यादा था तो कहीं कहीं पैर डिसबैलेंस भी हो रहा था, क्योंकि हील्स भी मैं पहनी हुई थी रील बनाने के लिए। कुछ प्लानिंग करके आई थी कि घूमेंगे थोड़ा अच्छा से, लेकिन अब देख रहे उधर सनसेट बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं है, धूप है ही नहीं, मुझे लगता है 10 मिनट में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा ऐसा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जितना शूट हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी जो एक दो रील बनेगा तो बनेगा, बाकी घूमेंगे और क्या। तो चलिए अभी चलते हैं आगे और कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और गाइस देखिए, थोड़ा सा ही आगे गए थे, अंधेरा हो गया था, तो फिर हम लोग उधर से आ चुके हैं वापस। और आज चूँकि कल बुधवार था तो कल का मार्केट भी लगता है इधर, आप लोगों को तो कई वीडियो में मैं बताई हूँ, तो फिर मैं हम लोग उधर से जंगल साइड से आ करके उधर से फिर मार्केट की तरफ चले गए थे, और मार्केट से घूम के फिर आई तो ये थोड़ा सा सामान लिए थे जिसमें 2-3 क्लचर है और एक दो रबर है और एक शशि का क्लचर होगा, तो ये सब सामान लिए थे। और इधर डॉगी बैठ के आराम से सोच रहा है आज रात का क्या प्लानिंग किया जाए, क्योंकि इन लोग को भी रात की ड्यूटी होती है। तो आज मतलब खूब सारा हम लोग इन्जॉय किए, घूमे फिरे, लेकिन उतना शूट नहीं कर पाई अंधेरे के वजह से। और इधर मैं शशि से पूछ रही थी कि आज का क्या प्लानिंग है, रुकेंगे या फिर जाएंगे, मेरा तो मन था कि रुक जाती तो बहुत अच्छा होता, उनको भी मन था रुकने का बट किसी वजह से वो रुक नहीं पाई, बोली कि प्लान कैंसिल हो गया, बोली नेक्स्ट डे आएंगे तो रुका जाएगा, क्योंकि घर पे भी सब कुछ सेट करके आना पड़ता है, लड़कियों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी होती है गाइस। तो इधर मैं आ चुकी हूँ अपने सोसाइटी के तरफ, और इधर देख रहे काम अभी हो रहा है सोसाइटी में, उधर टाइल्स वाइल्स थोड़ा में लगा था और बाकी अभी चालू है सारा काम। तो फिर भी मैं इनको जिद कर रही थी कि मैनेज हो सकता है तो करिए, रुक जाइए एक दो दिन, हम लोग अच्छे से मस्ती करेंगे, ब्लॉग व्लॉग बनाएंगे, तो नहीं हो पा रहा था, बोलेंगी नहीं आएंगे नेक्स्ट डे तो रुकेंगे, तो फिर मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, मिलना जुलना तो लगा रहता है। तो ये हम लोग अभी इधर इनसे बात करते हुए जा रहे थे और ये अभी भी मैं इनको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये करिए नहीं अभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। और इधर लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए एक बाबू का घर है छोटा सा, तो वहाँ पे बाबू रहता है, तो उससे हम लोग आते जाते बात करते हैं, बहुत क्यूट सा है, अच्छा लगता है, और हम लोग को भी वो पहचान गया है तो देखता है तो आवाज़ सुनता है तो आता है तो अच्छा लगता है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और बच्चे किसी का भी हो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये बाबू भी क्यूट सा है। आज के ब्लॉग में कुछ कुछ थोड़ा अलग अलग दिखने को मिलेगा, तो उससे थोड़ा सा बात किए, उसके बाद देखिए फिर ये बैठ गई थक के, और आज ये थक गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमे हैं, बहुत ज़्यादा, शायद अगर उतना शूट करते ना तो आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होता। और देखिए पैर की हालत दिखा रहे हैं कि पैर उधर गए थे तो मिट्टी मिट्टी था तो थोड़ा सा मिट्टी लग गया था, तो कह रहे पैर भी दर्द कर रहा है और पैर गंदा भी हो गया है, तो मैं बोली चले कोई बात नहीं। तो अब हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट की तरफ, और एक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही आके रुकी हुई थी, 0 पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे प्रेस किए खुल गया,
तो लिफ्ट के अंदर गए, लिफ्ट में गाइस इधर तो एक चीज़ का प्रॉब्लम है, मच्छर तो कहीं पर भी, ये मच्छरों का राज ना हर जगह होता है, चाहे कहीं चले जाइए मच्छर आपको हर जगह मिलता है। और लिफ्ट के अंदर भी बहुत सारा मच्छर घुस गया था, खुला होगा शायद, फैन इसका ख़राब हो गया था तो इसके अंदर मच्छर घुस गए थे, तो सभी परेशान हो रहे थे। अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नफरत किससे है, तो मैं तो पहला नंबर इसी का लूँगी, क्योंकि ये ना तो सोने देता है, ना बात करने देता है, ना मस्ती करने देता है। तो आई हेट मच्छर। तो अभी ये लोग का, मैं ससी को एक गाना सुना रही थी, प्यारी 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 ससी है हमारी। तो ऐसा सॉन्ग सुना रही थी, क्योंकि एक इकलौती दोस्त है ये, क्योंकि मेरी दोस्त कोई लड़की है ही नहीं। तो दोस्तों अभी पूजा पाठ हो चुका है, और अभी मतलब सारा काम भी मैं कर ली हूँ, और वो लोग चले गए, क्योंकि रुकने का प्रोग्राम तो हो रहा था, लेकिन एकदम से मतलब वो कपड़ा उपड़ा लेके नहीं आई थी, और नेक्स्ट डे बोलिंग की जब आएंगे तो रुकेंगे, तो एकदम से प्रोग्राम नहीं बन पाया, तो इस वजह से नहीं रुक पाई। तो अभी वो लोग चले गए, और मेरा भी काम जो भी था शाम का, जो रूटीन होता है, उसका मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि भी लेट हो गई थी मैं रात को, उधर से मतलब घूम के ही आए, उसके बाद आने के बाद मेरा रात का पूजा, शाम का जो पूजा पाठ होता है वो पाठ करना होता है, हर दिन मैं शाम को पाठ करती हूँ। तो अक्सर आप लोगों ने मेरे घर का मंदिर देखे ही है, तो यहाँ पे मस्त पूजा वूजा हो चुका है, कर लिए हैं, और अभी अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ। और दीपक चूंकि शांत हो चुका है, क्योंकि अब पूजा की एक बहुत देर हो गया, 1 घंटा के अप्रोक्स, 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया, तो इतना टाइम लग ही जाता है मुझे पाठ करने में, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ मैं, और साथ ही बजरंग बाण हनुमान अष्टक, तो 1 घंटा लग जाता है, 7 बार वो करती हूँ मैं, तो वो सब करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो वही पूजा पाठ अभी अपना करके, और जो भी काम था किचन का वो सब निपटा के, और मैं सोची अब थोड़ा सा आप लोगों से रूबरू हो जाती हूँ वीडियो के माध्यम से, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं बता दूँ, क्योंकि ये वीडियो से बहुत सारे मेरे अपने लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली, नए नए परिवार लोग कनेक्ट होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा अच्छा मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं, तो वो और भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि जब एक नए परिवार की शुरुआत हो रही है, हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स यूँ जो भी कहिए, तो सबके साथ हर चीज़ शेयर करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोची कि मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि अभी आगे का क्या है। तो फिलहाल अभी जो भी चीज़ें थी, अभी मैं अभी रूम पे फिलहाल हूँ बिल्कुल अकेली, और वो लोग चले गए, तो अब हो सकता है 4-5 दिन बाद उन लोगों का प्लान बनेगा, फिर हम लोग साथ एक साथ होंगे, और तब बहुत अच्छे से मतलब वीडियो वीडियो बनाएंगे, रील्स वगैरह और भी बनाएंगे, क्योंकि गाइस क्या है ना, शाम को गई थी मैं, बहुत ज़्यादा शाम हो गया था, तो सन जो था वो मतलब जा रहा था, मतलब चला ही गया था, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं था, तो अंधेरा अंधेरा आ रहा था, तो अच्छा मज़ा नहीं आ रहा था वीडियो बनाने में, तो इसलिए मैं आगे शूट नहीं कर पाई। रन मेरी सो रही है, इसको ऐसे मैं रात में ढक के सुलाती हूँ, और इधर अभी बेड पे, अभी मैं यहीं पे लेटी हुई थी, तो ये कंबल यूं ही ऐसे पड़ा रहता है, क्योंकि इतनी मुंबई में है कि जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल अभी मैं सोच रही हूँ कि अब आज ना एकदम छोटा सा ही वीडियो रहने देती हूँ, और नेक्स्ट डे फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे, और फिर कुछ नया सा करेंगे, नया सा क्या, कुछ भी जो मेरे मेरे मैं जो भी करूँगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये जो चूड़ी है अभी तक देखे वहीं पर लटका के ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि रखी नहीं हूँ, क्योंकि ये सेट लगा हुआ है, हो सकता है कोई रील बनाए और इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो टाइम बचेगा इसको मैचिंग करने का, ये वैसे ही पड़ा हुआ है, सो कोई बात नहीं। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और अभी बाल बाल भी मैं देखिए खोल ली हूँ, क्योंकि वो हेयर पिन लगाने से ना दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे कम्फर्टेबल यही लगता है कि इस तरह से। और हाँ गाइज, मैं बताई थी कि मैं मार्केट गई थी, थोड़ा सा कुछ ली थी, ये वाला क्लचर मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैं ये क्लचर ली, और एक 2 रबर बैंड था और एक क्लचर बोली थी, तो यही थोड़ा सा तो बस सामान था, तो बहुत अच्छा लगा था तो मैं ले ली। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और अभी खाना पीना खाएंगे, तो खाना खाने से आज पहले मतलब वीडियो को एंड कर रही हूँ, और आप लोग देखिए प्यारा शुरुआत दीजिए, और कैसा लगता है वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, साथ ही टीका मिटिक गया। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और साथ ही कॉमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि वो मुझसे मतलब पता चल रहा है इससे कि वो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देखते हैं, तो अच्छा लगता है। और जो लोग मेरे वीडियो में लास्ट वीडियो के एंड में मैं उनका जो भी कमेंट करेंगे उनका मैं नाम लेकर के ज़रूर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मेरे घर के फैमिली मेंबर्स, मम्मी सीस जो मेरी वीडियो को देखते हैं, उनको भी उनके लिए क्या बोलूँ मैं, वो तो हमेशा मतलब उनके लिए शब्द कम है, पर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि घर के लोग भी वीडियो देखते हैं तो कमेंट करते हैं। सेकंड नंबर पे शशि जो मेरी फ्रेंड है वो भी मतलब वीडियो देखती है, तो उनका भी कमेंट आता है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और भी कमेंट करते हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि मेरे पुराने दोस्त हैं फेसबुक पे, बहुत 5-6 साल से मेरे साथ एक्टिव हैं, मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सारे वीडियो पे कमेंट करते हैं। और ये बुरा मत मानिएगा कि आपका लास्ट में मैं मतलब नाम ली हूँ, बस सब एक साथ हैं, एक साथ हैं, और एक एक करके ही सबका नाम लिया जाए मतलब ले पाऊँगी। तो जो लोग भी हैं फिलहाल मेरे नज़र में तो यही 2-3 लोग हैं जो कमेंट करते हैं, और एक कोमल करके हैं, कोमल कुछ नाम है उनका, उनका मैं अभी नाम मतलब जो भी है नाम पढ़ के मैं देखूंगी कि क्या है, बट मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि कोमल करके हैं वो। उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आप हर मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और मुझे दीदी बोल करके अच्छे वर्डिंग से कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग ही कुछ वो मस्ती के साथ। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह सुबह, हो सकता है आज सुबह सुबह मेरा वीडियो स्टार्ट हो जाए। बाय बाय मेरे सभी फैमिली को।